अब लेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। मटेरियल को तीन इसमें डिवाइड किया गया है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो कौन सा मटेरियल कैसे बिहेव करेगा वो देख रहे हैं। तो Fe3O4 फिर से ध्यान रखना, Fe3O4 यानी मैग्नेट, यही एक ऐसा सब्सटेंस था जिसमें एटम इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट एंड सब्सटेंस इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो ऐसा सब्सटेंस एज अ होल इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। और जो मैंने तीन बताए थे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक में तो एटम ही मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, इसीलिए सब्सटेंस भी मैग्नेटिक की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। पर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा बट सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, उनके रीजन बताए थे वहां पे, वो फिर से होंगे तो वो एक बार देखना वापस यार। और ससेप्टिबिलिटी की वैल्यूज भी बताए थे, वो भी इसमें वापस से आ जाएंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के इसमें, तो एक याद रखना। और एक ये देख लेना वापस से कि क्लोरीन का बताया था एग्जांपल 17, 2, 8 और 10, 7। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आखिरी में आया था, एक और नंबर था तो आखिरी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया था। तो सच एटम बिहेव एज अ एटॉमिक मैग्नेट, ठीक है? तो वो एक बार वापस से आप लोग पुराने वीडियो में देख लेना, उसको ही आगे कंटिन्यू कर रहे हो। तो एक बार वीडियो पॉज करो और पहले वो पुराना वीडियो देखो जिसमें क्लोरीन का एग्जांपल एक्सप्लेन किया है, ठीक है? क्लोरीन वाला एग्जांपल देख लेना आप लोगों ने। तो आखिरी जो था ये ऐसे बनाया था मैंने, ये एक पेयर, ये दूसरी पेयर, आखिरी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था 3p5 वाले में। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या कर देंगे, कैंसिल, ठीक है? तो अगर ऐसा ही होता समझो तो फिर इट विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, दैट सिंगल एटम डज नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो द एटम डज नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है? तो वो सब्सटेंस आएंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड यानी ऐसे एक ही बना रहे, जस्ट याद रखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे इलेक्ट्रॉन्स है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, एक दूसरे का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा। देखो बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं, मिटा देंगे, इलेक्ट्रॉन की मोशन दिखा देंगे, ये इधर घूम रहा एक, समझो क्लॉकवाइज घूम रहा एक इलेक्ट्रॉन। तो पेयर में से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहां पे ये है। अच्छा यहां उल्टा है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहां, ठीक है? पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक ये और एक ये, तो एक पे इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज घूम रहा, एक पे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये देंगे, अपोजिट डायरेक्शन देखो, और इधर करंट, इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में है तो करंट ये डायरेक्शन, ये कन्वेंशनल करंट है। आई मतलब कौन सा करंट? कन्वेंशनल करंट। फिर से देखना, ये मिटा देते चलो एक बार। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन पेयर में, एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है? एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो रहा तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये देंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो रहा तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इधर देंगे। तो ये थोड़ा सा देख के करना ना, राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड, कर्व्ड फिंगर्स, सॉरी कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन की मोशन नहीं करंट की डायरेक्शन देखना। थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन है लूप की। अब इधर देखो कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये नहीं है कन्वेंशनल करंट, ये कर्व फिंगर्स देखो, ये वाला एरो मत देखो, ये वाला देखो कन्वेंशनल करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो बोथ द मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसिल ईच अदर, सो एटम does not behave like a magnet. So we can say substance does not behave like a magnet. ठीक है? पर मैंने समझाया था कि अगर एक मैग्नेट ले लिया,
और उसके बाजू में एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जांपल गोल्ड सिल्वर, तो गोल्ड का ले लेते, महंगा है कोई ले लो, चलो गोल्ड ले लिए, गोल्ड का पीस ले लिए, तो अभी ये सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, बट जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें भी मैग्नेटाइजेशन होगा, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में, तो इसका ये डायरेक्शन में डेवलप होगा, तो ये उसको रिपेल करेगा। बताया था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, वीकली रिपेल्ड क्योंकि मैग्नेटाइजेशन भी वीक होगा इसीलिए रिपल्शन भी वीक ही रहेगा। मैग्नेटाइज हुआ कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट, मगर कब, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वो समझा था, देखो कि अपोजिट डायरेक्शन में क्यों, ये समझ में आ गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अभी अपन ने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में आया, एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में आया, नेट रिजल्टेंट इज जीरो, नेट रिजल्टेंट इज जीरो। तो ये एक बार देख लो, तो याद रखो एटम भी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, तो सब्सटेंस भी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, बट जब उसको फील्ड में रखेंगे, अपन वही स्टडी कर रहे हैं कि जब इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, तो मैग्नेट जिनको रिपेल करता उनको कहां रखा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये देखो एक बार, फिर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना दे, फिर समझाता आगे, इतना एक बार देख लो। तो ये ध्यान रखना, ये हो गया दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए पेयर्ड वायर, कि एक दूसरे का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अब इनको रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में बी, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये बताया था ये गोल्ड का टुकड़ा है और ये मैग्नेट रख दिया उसके बाजू में, अब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, तो उसको ऐसे लिखा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आगे ध्यान से देखना, समझना पूरा, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, अभी सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैरिंग वायर में ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा, ये अपने को बाद में आएगा, ईएमआई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट, ये आपको पहले टेंथ में हुआ है एसी डीसी जनरेटर की में, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल में क्या जनरेट होता, करंट, बट याद रखना लेंस लॉ आएगा बाद में, करंट जो जनरेट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, याद रखो राइट हैंड रूल, थंब इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड, कर्व फिंगर्स इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ करंट, बट अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता, तो अभी फिलहाल ऐसे है तो अपन इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे, पहले देखो, तो ये बिना मैग्नेटिक फील्ड के है, अब मैग्नेटिक फील्ड रखने के बाद उसमें करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस, यहाँ पे ये डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ, यहाँ पे भी डायरेक्शन हुई रख, दिस इज आई वन दिस इज आई, करंट इंड्यूस हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस लूप में करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ मतलब चार्ज का मोशन चेंज हो गया, ये वाले चार्ज का मोशन और ये वाले चार्ज का मोशन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज हो गया, तो उसको बोलेंगे इंड्यूस करंट, करंट इंड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी। राइट हैंड रूल के हिसाब से देखो, मैग्नेटिक फील्ड कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, बट बाद में आएंगे अपने को कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इधर दिखाना चाहिए था पर अपन ने अपोजिट कर दिया, तो दोनों तरफ एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। फिर से बता देता हूं, ये बातें है मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर अपने को, और उसका थोड़ा सा यूज यहां पे है, वो थोड़ा याद है। फिर से देखो, ये बिना मैग्नेटिक फील्ड के, ये अभी बिना मैग्नेटिक फील्ड के है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन अपन ने दे दिया जो उसमें ऑलरेडी है। अब जब अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो उसमें भी करंट और इंड्यूस होगा, यानी चार्ज का मोशन चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। राइट हैंड रूल के हिसाब से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इंड्यूस करंट ये डायरेक्शन में आना चाहिए, बट आगे आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, वो इंड्यूस करंट इसको अपोज करेगा, इसके अपोजिट में रहेगा, तो एरो इधर आ रहा था देखो, हम इधर आ रहा था और उसके अपोजिट में देना इधर, दिस इज इंड्यूस करंट आएगा, इसमें भी वैसे ही देना, फिर मैग्नेटिक फील्ड तो वही है ना, देखो थंब
इधर आना चाहिए सर, और अपन वही लगे तो दोनों भी केस में इसके अपोज में है वो करंट मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब ध्यान रखो ये अपना पहले वाला करंट, ये इंड्यूस करंट, दोनों कौन सी डायरेक्शन में है, अपोजिट, इसलिए यहां मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फिर हो जाएगा डिक्रीज। अब यहां देखो ये इंड्यूस करंट और ये अपना पहले वाला करंट जो चार्ज के मोशन की वजह से था, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, इंक्रीज। पहले दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम थे, अब ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से इंक्रीज हो गई और ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गई, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट ये है। तो रिजल्टेंट इन दोनों का पहले जीरो था, अब रिजल्टेंट ये वाली डायरेक्शन में आएगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए अब वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गई। मगर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुई है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में है, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ है, इसीलिए रिपल्शन आएगा। बताया था ना कि अगर ये मैग्नेट है, इसके बाजू में गोल्ड का टुकड़ा रखे तो उसमें ये चेंजेस हुए, अब ये भी मैग्नेट बन गया बट अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, इसका ये डायरेक्शन और इसका अप्लाइड का ये, तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ इसीलिए ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड है ये रिलेशन रहेगा, जैसे तुम ये मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे ये और ये फिर सेम हो जाएगा, यानी फिर से सब्सटेंस का आंसर जीरो हो जाएगा। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसके प्रॉपर्टीज लेते हैं, ये समझ लो एक बार, फिर से देखो एक बार शॉर्ट में बता देता, क्योंकि देखो ईएमआई होने का है तो उसमें अपने को लेंस लॉ आएगा तब बताऊंगा वापस से। एक बार देखो स्टार्टिंग से वापस से आएंगे हम समझा, तो एक बार पढ़ना टेक्सटबुक में, EMI में वो लेंस लॉ और ये डायरेक्शन अपोजिट रहती वो सब आने वाला है। फिर से देखो इनिशियल डायग्राम पे आ रहा है, ठीक है, एक पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमना, इसका एंटी क्लॉकवाइज घूमना, तो पहले इस मोशन की वजह से जो करंट है वो दे दो, इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट में है, इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट में है, ये इंड्यूस करंट है। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट हैंड रूल के हिसाब से करंट, ये करंट था, इसका मोशन मत देखो, इसका देखो, और यहां ये देखना, ये एरो देखना करंट, तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, नेट रिजल्टेंट इज जीरो। बट जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन की मोशन चेंज हो गई, मतलब करंट हुआ इंड्यूस। तो ये अपने को नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि आप मैग्नेटिक फील्ड में जब वायर रखेंगे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। एसी जनरेटर वगैरह में हुआ है हम लोगों का कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही तो करंट जनरेट होता, तो यहाँ पे भी वही होगा, करंट जनरेट होगा मगर अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ राइट हैंड रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है तो करंट ये डायरेक्शन में आना चाहिए इधर भी और इधर भी, बट अपोजिट डायरेक्शन में होता इसीलिए इधर की जगह अपोजिट पे दे रहे। सो दिस इज इंड्यूस करंट आई वन, वही डायरेक्शन में इधर देना है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, फिंगर ये डायरेक्शन बता रहा है अपन ने अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, फिंगर ये डायरेक्शन में बता रहा है अपन ने अपोजिट डायरेक्शन में। अब ध्यान दो, एक में इंड्यूस करंट जो पहले करंट था उसके अपोज में आ रहा है, इसका एरो इधर है, इसका एरो इधर, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज। अब यहाँ इंड्यूस करंट और जो पहले करंट था दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज, तो ये डिक्रीज हो गई, ये इंक्रीज हो गई, और पहले दोनों सेम थे इसलिए आंसर था जीरो, बट ये हट गया, अब ये ज्यादा हो गई तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एटम मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेंगे, सब्सटेंस मैग्नेटिक की तरह बिहेव नहीं करेंगे, और जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन बदल जाएगा, इसलिए उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और कौन सी डायरेक्शन में आई है, अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए दीज आर द सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, मैग्नेटिक को वीकली रिपेल करेगा। तो अब इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये देखो अब देखो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट एग्जांपल डालो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लीड, मर्क्यूरी, नाइट्रोजन एक्सेट्रा,
सोडियम क्लोराइड, वो एग्जांपल देखना आपको लोग को लर्न करने हैं ना, सेकंड प्रॉपर्टीज। व्हेन दीस सब्सटेंस आर केप्ट इन, ये बताया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन दीस सब्सटेंस आर केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे आर वीकली रिपेल्ड, वीक रिपल्शन होगा। क्यों रिपल्शन होगा? बिकॉज दे आर मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन, वो मैग्नेटाइज हुए मगर कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये डेफिनेशन भी बोल सकते हैं इसको कि द सब्सटेंस, अपन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ले रहे प्रॉपर्टीज, सो कॉपर गोल्ड सिल्वर लीड मर्क्यूरी एक्सेट्रा। पहले वाला जो बताया था वो डिस्क्रिप्शन था खाली कि इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, सब्सटेंस विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, बट जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप होगा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड फील्ड के। इसीलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखेंगे तो वीक क्या होगा? रिपल्शन। क्या होगा? वीक रिपल्शन। ठीक है ना, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, यानी एक जगह स्ट्रॉन्ग है और एक जगह वीक है मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस सब्सटेंस रिपल्शन होने की वजह से स्ट्रॉन्गर पार्ट से रिपल्शन ज्यादा रहेगा, तो दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू वीकर पार्ट एंड द मोशन विल बी स्लो, क्योंकि वीक रिपल्शन है इसलिए मोशन स्लो है। फिर से देखना, फर्स्ट पॉइंट एग्जांपल है कॉपर गोल्ड सिल्वर लीड मर्क्यूरी सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? वो मैग्नेटाइज होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, वीकली मैग्नेटाइज होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए वीक रिपल्शन है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे, यानी एक जगह स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड और एक जगह वीक है मैग्नेटिक फील्ड, तो दे विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू वीकर पार्ट स्लोली। स्ट्रॉन्गर टू वीकर इसलिए जाएंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग पार्ट से रिपल्शन है, वीक से कम रहेगा रिपल्शन, सो दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू वीकर पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड लिया, ये रॉड, ये सब, और इसमें से किसी एक का रॉड ले लो, रॉड, ये ऐसा रॉड, गोल्ड का सिल्वर का या लीड का टाइप का रॉड लो, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जब आप इस रॉड को यहां रखेंगे तो दोनों तरफ से रिपल्शन होगा, इसीलिए रॉड कैसे रेस्ट करेगा? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे लिखना है, व्हेन अ रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड, व्हेन अ रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट रेस्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल रेस्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अगर यूट्यूब लेंगे, ओ यूट्यूब, अपना यूट्यूब नहीं जिसमें वीडियो देखते, ये यू शेप की ट्यूब है, तो इसको बोलते हैं यू ट्यूब, यू शेप की ट्यूब। इसमें अपन ने लिक्विड लिया, कौन सा लिक्विड? डायमैग्नेटिक लिक्विड, डायमैग्नेटिक लिक्विड लिया है इसमें। ठीक है, अब अभी तो लेवल सेम है, जब आप यहां मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे एक आर्म पे, दोनों आर्म पे नहीं, एक ही तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाया इधर नहीं, तो इसमें लेवल थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, लेवल विल फॉल डाउन बिकॉज ऑफ रिपल्शन, क्योंकि डायमैग्नेटिक लिक्विड है, ये मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल करेंगे, तो इट विल मूव स्लाइटली डाउनवर्ड। इतने प्रॉपर्टीज देख लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट। When external magnetic field is removed, अभी बताया था अगर external magnetic field remove कर दो तो substance will lose its magnetic property. It will lose its magnetic property. जब तक magnetic field में है, diamagnetic substance magnet की तरह behave करेंगे। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया एक्सटर्नल, दे विल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नाउ द सब्सटेंस विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। और प्रॉपर्टी है, पता था देख, नेक्स्ट है, ये सब जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, ये ऐसे इक्वल, ठीक है,
अब क्या करेंगे, इनके बीच में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख देंगे, जैसे गोल्ड का बार या सिल्वर का बार, तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा मगर कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो थे पहले से, यहाँ फील्ड है, समझो यहाँ मैग्नेट है, दो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले से है। अब अपन ये बार यहाँ लाके बीच में रखेंगे, तो जैसे ही आप वो बार बीच में रखेंगे वो भी मैग्नेट बन जाएगा मगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस फील्ड ऐसे नहीं ऐसे पास ना। यानी उसके अंदर से पास नहीं होंगे, रिपल्शन है, रिपल्शन इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को वो मैग्नेट रिपेल करेगा, तो वो कर्व होके चले जाएंगे, दे विल नॉट पास थ्रू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये भी एरिया मेटल्स है, देखो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर मर्क्यूरी, तो मेटल्स जब यहाँ रखेंगे इसमें ये वाले मेटल्स, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड उनके राउंड से चले जाएंगे, उनके अंदर से पास नहीं होंगे क्योंकि ये भी मैग्नेट बना है इन मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में, तो ये उसको अपोज करेंगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे इसके आजू बाजू से पास हो जाएंगे, मटेरियल में से पास नहीं होंगे, कौन से मटेरियल, डायमैग्नेटिक। तो ये देख लो प्रॉपर्टीज, लास्ट प्रॉपर्टी बची है देखो यहाँ आप देखते चलो जगह नहीं है, यहाँ ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज पहले भी बताया था, इट इज निगेटिव एंड स्मॉल। किसी ने बोला निगेटिव क्यों, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा इसीलिए निगेटिव, और स्मॉल क्यों, क्योंकि वीक मैग्नेटाइजेशन है इसीलिए स्मॉल, निगेटिव एंड स्मॉल। तो ससेप्टिबिलिटी यानी ये प्रॉपर्टी का आई थी मटेरियल की, सो फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी इज निगेटिव एंड स्मॉल, ठीक है। निगेटिव क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ है। स्मॉल वैल्यू क्यों, बिकॉज वीक मैग्नेटाइजेशन इज देयर, देयर इज वीक मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। देखो तो ये प्रॉपर्टीज हो गए, एक बार रिपीट कर देता एग्जाम्पल, पहले कॉपर गोल्ड सिल्वर लीड मर्क्यूरी एक्सेट्रा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज होंगे, वीकली मैग्नेटाइज होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुए इसीलिए भी रिपल्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक यानी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे, यानी एक जगह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है एक जगह वीक, तो दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू वीकर पार्ट, क्यों, रिपल्शन की वजह से, ये ज्यादा रिपीट करेगा ये कम, तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का रॉड लो, यानी इस तरह किसी का भी रॉड ले लो और उसको मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करो, दोनों तरफ से रिपल्शन है तो वो कैसे रेस्ट करेगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यूट्यूब में पहले लिक्विड लिया था सेम लेवल पे था, एक आर्म पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो लेवल इन दैट आर्म फॉल्स डाउन, नीचे क्यों गई लेवल, रिपल्शन की वजह से। व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव, आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दो तो इट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गई, जब तक मैग्नेटिक फील्ड में तब तक वो मैग्नेट पे की तरह बिहेव करेगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया इट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एंड ये वाला ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, तो लाइन ऑफ फोर्सेस इसके अंदर से नहीं इसके आजू बाजू से पास होंगी, सो इट विल नॉट अलाउ द लाइन ऑफ फोर्सेस टू पास थ्रू देम, ठीक है। नेक्स्ट ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव, नेगेटिव क्यू, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ है, स्मॉल क्यू, वीकली मैग्नेटाइज हुआ है। ये देखो फिर आगे अब देखो आगे, अब ले रहे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में आप लोगों को मैंने समझाया था कि एटम इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, सिंगल एटम बिहेव लाइक अ मैग्नेट क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल एटम बिहेव लाइक अ मैग्नेट, बट सब्सटेंस विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। क्यों सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हर एटॉमिक मैग्नेट यानी एटम एज अ मैग्नेट, एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करना तो इसको बोलेंगे एटॉमिक मैग्नेट, ये उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पर सभी एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, रैंडम, इसीलिए नेट रिजल्टेंट सब्सटेंस का आंसर जीरो। तो इसमें सिंगल एटम मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा बट ऑल द एटॉमिक मैग्नेट्स आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन, ठीक है। बट जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, समझो वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे,
तो कुछ फ्यू हुआ, फ्यू, बाकी रैंडम है, पर देखो 1 2 3 4 ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे, तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, ठीक है, इसीलिए यहां आएगा मैग्नेटाइजेशन हुआ है, पर वीक है, सेम डायरेक्शन में है इसीलिए अट्रैक्शन, पर वीक अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो सभी एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। सभी एटॉमिक मैग्नेट एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करेंगे, पर अट्रैक्शन रहेगा वीक, ठीक है। फिर से याद रखो, एटम डज नॉट बिहेव, सॉरी, एटम बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, बट सब्सटेंस डज नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, बिकॉज ऑल द एटॉमिक मैग्नेट्स आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन, बट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाया है ये डायरेक्शन में, तो कुछ एटॉमिक मैग्नेट जैसे ये है, उसकी डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, तो इसमें नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ ये डायरेक्शन में। बट अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे जैसे यहां लगाया, तो सभी एटॉमिक मैग्नेट एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो ये भी अब मैग्नेट बन गया सेम डायरेक्शन में, इसीलिए अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, तो प्रॉपर्टीज हैं क्या इसके, जैसे डायमैग्नेटिक के लिए थे सेम वैसे ही देखो आगे, तो ये देख लेने के बाद इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, पर वीक मैग्नेटाइजेशन है इसीलिए अट्रैक्शन भी वीक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ दे आर केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक जगह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और एक जगह वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो अट्रैक्शन है, तो वीक की तरफ से अट्रैक्शन कम रहेगा, स्ट्रॉन्ग की तरफ से ज्यादा, तो दे मूव फ्रॉम वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट, पर यहां पे मोशन फिर से स्लो रहेगी क्योंकि वीक है अट्रैक्शन, इसलिए देखो सेम वैसे और प्रॉपर्टीज है, पर उसमें स्ट्रॉन्गर टू वीकर का रिपल्शन की वजह से, पैरामैग्नेटिक में वीकर टू स्ट्रॉन्गर, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देख रहे हैं अपन, सो ये डेफिनेशन हो गई समझो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस व्हिच व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर वीकली अट्रैक्टेड, सो दीस आर द सब्सटेंस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड। डायमैग्नेटिक में कौन से सब्सटेंस थे विच वेयर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, ये देखो। नाउ नेक्स्ट, अगर एक रॉड ले लें, रॉड लिया, कौन से सब्सटेंस का लेंगे, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम पे रॉड ले लो और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे यूनिफॉर्म, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब ये रॉड जैसे ही यहां रखेंगे दोनों तरफ से अट्रैक्शन है, तो ये पैरेलल रेस्ट करेगा, रॉड विल रेस्ट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक में परपेंडिकुलर हुआ ये ऐसे, क्योंकि दोनों तरफ से रिपल्शन था, अब दोनों तरफ से अट्रैक्शन है, तो ऐसे रेस्ट करेगा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो याद है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी, यू क्यूब लेंगे, यू शेप की क्यूब और उसमें पैरामैग्नेटिक लिक्विड डाल देंगे कोई, यस, एक आर्म पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, तो अब अट्रैक्शन है, तो लेवल इन दैट आर्म विल राइज अप, तो लेवल विल राइज अप, अट्रैक्शन की वजह से लेवल विल राइज अप इन द आर्म, तो ये आर्म ऊपर जाएंगे और ये आर्म थोड़ा सा नीचे, तो लेवल विल राइज इन दैट आर्म जहां पे अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देंगे, एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, इट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा। जब तक मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, तब तक ही वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे, दे विल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये पॉइंट डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में सेम है। नेक्स्ट, ये है यूनिफॉर्म फील्ड। अब एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा लेंगे और इस फील्ड के बीच में रख देंगे, तो अब ये तो अट्रैक्ट करेगा लाइंस को, अट्रैक्शन है, तो लाइन ऑफ फोर्सेस ये मैग्नेटिक लाइन उसमें से पास होगी। डायमैग्नेटिक में अपन ने बोला था लाइन ऑफ फोर्सेस रिपेल होंगे, आगे बाजू से निकल जाएंगे, पर यहाँ पे दिस लाइन ऑफ फोर्सेस जैसे ही ये टुकड़ा बीच में रखेंगे तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस इसके अंदर से पास होंगे, दे विल पास थ्रू दैट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी यहाँ आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि मैग्नेटाइज हुआ है सेम डायरेक्शन में, बट वैल्यू रहेगी स्मॉल फिर से, क्यों स्मॉल, क्योंकि वीक मैग्नेटाइजेशन है इसीलिए स्मॉल है, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ है इसीलिए पॉजिटिव, तो ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्मॉल। ये देखो, तो ये हो गए प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के, ऑर्डर देख लो सेम वैसे ही है जैसे डायमैग्नेटिक के थे। प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, तो सारे प्रॉपर्टीज याद रखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन में आप लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं, अगर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में आया तो ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये भी नहीं, ये नहीं लिख सकते, ये लिख सकते और ये लिख सकते, ये पॉइंट डिस्टिंग्विश बिटवीन में मत डालो, प्रॉपर्टीज में तो लिख ही सकते। देखो ये पैरामैग्नेटिक है, इसमें एक और बच्ची है वो भी ले लो, ये सोलेनोइड है, इसमें से करंट पास करेंगे तो इसके क्या डेवलप होगी, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक दूसरा रॉड रखेंगे तो वो भी क्या होगा, मैग्नेटाइज, जैसे बताया ना अभी डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक कोई भी सब्सटेंस रखो तो वो भी क्या होगा, मैग्नेटाइज। ठीक है, दैट मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसके वाले पहले वाले वीडियो में ये हुआ है, जब प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो अपन ने वहां दिया था ससेप्टिबिलिटी। तो ये मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो ये क्या था तो देख लेना, ये जब लिया था तो अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ जो मैग्नेटाइजेशन होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये अलग से क्यूरी लॉ, ये देख लेना एक बार। फिर फॉर्मूला ये आया था लास्ट वाला म्यू इंटू एच, यहाँ तक डिराइव किया था अपने, तो अभी तो अपने ये काम आएगा, और बी जीरो का फॉर्मूला था म्यू जीरो इंटू एच, ये डेरिवेशन एक बार देख लेना वापस है, ले रहे रुक जाओ। ठीक है, नाउ ये देख लेना एक बार, ये पीछे वाला पार्ट अपने काम आएगा और ये काम आएगा, ये देख लेना, नाउ मीटर ही देते इसको, तो आपने ये वाला क्वेश्चन काम है उसमें जो लिया था। According to Curie, magnetization, यानी जो magnetize हुआ है substance, paramagnetic substance, external magnetic field में रखा अपन ने, aluminium का टुकड़ा, तो ये भी क्या बन गया, magnet, यानी इसमें क्या produce हुआ है, magnetization, that magnetization is directly proportional to external magnetic field and inversely proportional to temperature, proportional की sign हटाएंगे तो एक constant देंगे C, this constant is Curie constant, उनके नाम पर ही रखा है उसका नाम Curie constant। ठीक है, m is equals to c, अब यहां समझो इस मैग्नेट की जगह सोलेनोइड है, चलता इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है और ये बाजू में एल्युमिनियम का टुकड़ा वो भी मैग्नेट बन जाएगा, तो यहां लिख रहे म्यू जीरो एन आई लिखना चाहिए पर डायरेक्ट एच लिख रहे, इसका आंसर b is equals to म्यू जीरो एच, तो म्यू जीरो एच मतलब एन आई, तो एच लिखना है अपॉन b, तो इसको इधर ले लो m अपॉन h equals to constant C, कौन सा constant है, Curie constant, mu zero ये भी constant और upon में है temperature of that material, now m upon h देखो, m upon h
अपॉन में एच ले लो, एम अपॉन एच इज ससेप्टिबिलिटी, तो ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला ये बन गया सी म्यू जीरो अपॉन टी. सो वी कैन से ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अगर टेम्परेचर कम है तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ज्यादा रहेगी, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कम रहेगी. इसका एप्लीकेशन है पता था, ये देख लो पहले, ये हो गया क्यूरी लॉ. तो याद रखना इसका एप्लीकेशन कैसे रहेगा कि अगर टेम्परेचर कम है तो ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, मींस मोर नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस विल पास, मोर नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस विल पास थ्रू द सब्सटेंस. और टेम्परेचर अगर ज्यादा कर दिए तो ससेप्टिबिलिटी कम, यानी कम नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस उसमें से पास होगा. तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक के प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक हो गए. फेरोमैग्नेटिक के प्रॉपर्टीज अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसमें डोमेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो डोमेन स्ट्रक्चर के हिसाब से लेंगे. और उसके बाद मान लो एक और वीडियो बनेगा तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, हिस्टेरेसिस वगैरह लेना पड़ेगा, वो रह जाएगा. तो ये दोनों के प्रॉपर्टीज देख के रखो. फेरोमैग्नेटिक के प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक जैसे रहेंगे, ये वीकली है अट्रैक्ट, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा. तो इसमें जो प्रॉपर्टीज वीक है उसमें वो प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग है, बस इतना ही फर्क है. बट किसकी वजह से? डोमेन स्ट्रक्चर की वजह से. तो वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू. अब देखो एक छोटा सा टॉपिक लेने थे, ये है मेसनर इफेक्ट, उसके बाद पैरामैग्नेटिक और हो गया फेरोमैग्नेटिक सबसे बाद में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो मेसनर इफेक्ट है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की. कौन से सब्सटेंस के लिए? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या बताया था, देखो फिर से लास्ट वाली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर ऐसे नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अगर इसमें आप गोल्ड या सिल्वर कोई भी एक रॉड या बार लेके इसके बीच में रखेंगे तो लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पास होंगे. ठीक है, तो इसमें कैसा होता, ये जो अपन ने डायग्राम निकाली है ये है सुपरकंडक्टर के लिए. सुपरकंडक्टर जैसे कॉपर बोलो या गोल्ड बोलो या सिल्वर बोलो, इसमें ये एग्जांपल है. ठीक है, गोल्ड या सिल्वर ले लो. देखो सुपरकंडक्टर मतलब आपने देखा है कि रेजिस्टेंस फॉर मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेस. टेम्परेचर बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा. एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो. सो दैट मटेरियल बिहेव लाइक अ सुपर कंडक्टर. ये हुआ है अपना पहले कि अगर आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे कंडक्टर्स का तो रेजिस्टेंस भी कम होते जाएगा. सेमीकंडक्टर में उल्टा था, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हुआ है. सेमीकंडक्टर में उल्टा है, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. पर फॉर मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स जैसे ये है कॉपर गोल्ड सिल्वर, कौन से सब्सटेंस? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. एज टेम्परेचर डिक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेस, एंड फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे उसको, एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर रेजिस्टेंस बिकम जीरो, उस टाइम पे उसको बोलेंगे सुपर कंडक्टर. तो ये सुपर कंडक्टर की डायग्राम है. समझो कि जब आप कोई सुपर कंडक्टर लेंगे यानी टेम्परेचर कम करते जाएंगे एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे, तो सभी का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, बट अलग अलग टेम्परेचर रहते हैं उनके, तो आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे फॉर क्रिटिकल टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बिकम जीरो. तो आपको टेम्परेचर कम करना है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे रेजिस्टेंस कम होते जाएगा. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा निगेटिव में, निगेटिव में -150 -100 ऐसा निगेटिव में आएगा, दैट टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बिकम जीरो.
एट दैट टाइम दैट कंडक्टर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया. नो लाइन ऑफ फोर्स विल पास थ्रू दिस कंडक्टर दैट इज कॉल्ड बेज़लस इफेक्ट. वो पहले हो चुका है पर ये डायग्राम याद रखना, ये सुपर कंडक्टर की डायग्राम है. अगर समझो टेम्परेचर नॉर्मल है रूम टेम्परेचर तो फिर डायग्राम ऐसी बना सकते हैं. बाहर से जाएंगे कुछ लाइन्स एकदम सरफेस में से जा सकते हैं, सरफेस में से जा सकते हैं कुछ लाइन्स, पर अंदर से पास नहीं होंगे, सरफेस पर से कुछ लाइन्स जा सकते हैं. बट अगर सुपर कंडक्टर बना देंगे तो नो लाइन ऑफ फोर्सेस, ये मैग्नेटिक फील्ड की कोई भी लाइन इसमें से पास नहीं होंगे, कंप्लीटली एक्सपेल्ड, सब बाहर से जाएंगे, कोई लाइन ऑफ फोर्स इसके सरफेस से भी नहीं जाएंगे. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट. कौन से सब्सटेंस के लिए? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. याद रखना फॉर कंडक्टर्स एज टेम्परेचर डिक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेस. फॉर सम निगेटिव टेम्परेचर हर मटेरियल का अलग रहेगा, रेजिस्टेंस बिकम जीरो. That conductor is called superconductor. Superconductor क्यों? क्योंकि resistance zero. अगर वो material in line of force में रखेंगे तो एक भी line pass नहीं होगी. पर अगर normal temperature में रखेंगे तो कुछ lines pass होंगे, मगर सिर्फ surface पर से. Surface के अंदर यहाँ से नहीं pass होंगे. Expelled है, repulsion है, पर weak repulsion है. इसलिए कुछ lines अंदर से pass होंगे surface से. But अगर उसको superconductor बना देंगे, no line will pass this. Magnetic line of forces will not pass through diamagnetic substance. Completely expelled, completely बाहर से ही जाएंगे, सरफेस से भी नहीं जाएंगे. This effect is called Meissner's effect. तो एक ये याद रखना, ये diamagnetic में अब paramagnetic हो गया, diamagnetic हो गया, एक ही बचे अपना ferromagnetic और उसके बाद वाला part. तो वो next video में continue करेंगे.